My dear friends, once we have done with the atomic properties, now we start off with the physical properties of these group 16, 17 as well as 18. अब शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रुप 16 से. ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है. ओके, ऑक्सीजन का जो फिजिकल स्टेट है वो है गैस, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सारे सॉलिड्स हैं. ओके, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है. ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल ऑल दी अदर एलिमेंट्स आर नथिंग बट दे आर सॉलिड्स. उसके बाद वी टॉक अबाउट द मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स है, सेलेनियम एंड टेलुरियम दे आर मेटलॉइड्स, पोलोनियम इज मेटल लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इट इज अनस्टेबल. उसका जो हाफ लाइफ है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 13.8 डेज. मेटलॉइड दोस्तों शायद समझ में आता होगा आप लोगों को कि एक ऐसा स्पीशीज विच इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस कैन बिहेव आइदर एज अ मेटल और एज वेल एज अ नॉन मेटल. ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कॉल इट एज व्हाट, अ मेटलॉइड. ओके, तो दिस इज द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि एज वी गो फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा दो रीजन से दोस्तों. इसमें एक तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा और दूसरा के फिजिकल स्टेट देखो, हम लोग गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं. Alright, so as a result of which what happens is it increases. Next thing is the metallic character also is increasing. Okay, हम लोग non-metal से metal की तरफ जा रहे हैं. तो Van der Waals forces बढ़ रहा है with the metallic character बढ़ रहा है. Alright, the physical state maybe we are going from gas to solid. So these are the reasons that the melting point and the boiling point is increasing. और दूसरी एक important चीज याद रखेगा कि all of them shows allotropy. ओके, एलोट्रॉपी का मतलब तो जानते ही हो. अगर नहीं जानते तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि एलोट्रॉपी मतलब एलिमेंट इज सेम. अब इतना आप याद रखोगे ना तो देखो बहुत सारे जो पॉइंट्स है जो इसके साथ जुड़े हुए वो सब क्लियर हो जाएंगे आप लोग. ओके, चाहिए तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ तो आप कभी नहीं भूलोगे. और वो सीक्वेंस ये है दोस्तों कि जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर जुड़ा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जुड़ा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ. ओके, ये सीक्वेंस है पूरा. तो अगर यहां से शुरू करें एलिमेंट से और अगर हम वहां पे सेम करते तो ये सब कुछ सेम हो जाएगा. तो अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, तो फिर क्या अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं. तो जब एक एलिमेंट अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करता है, ओके, और वो सारे रूप की खासियत ये है कि उसको केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, वी कॉल इट एज व्हाट, एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाएंगे. ऑलराइट, ये हो गया ग्रुप 16 के बारे में जानकारी. ओके, आई गेस आप लोगों को ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा. इसके बाद दोस्तों वी गो इनटू ग्रुप 17. ओके, अब दोस्तों जब हम ग्रुप 17 की बात करते हैं तो उसमें पहले हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं. तो फ्लोरीन का जो कलर है दैट इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड एंड आयोडीन इज वायलेट. ओके, ये उनका कलर है. उसके बाद हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करेंगे. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड. ओके, एंड अमंग्स द नॉन मेटल दिस ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड, अमंग्स द मेटल द ओनली लिक्विड इज मर्क्यूरी. ओके, एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट आयोडीन इट्स अ सॉलिड, बट देन रिमेंबर इट इज एट रूम टेम्परेचर. शायद आप लोग ने सुना होगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि आयोडीन अंडरगोज सब्लिमेशन वेरी इजीली. सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड इजीली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट. ऑलराइट, सो दैट इज
ऑफ कोर्स सब्लिमेशन सॉलिड का ही होगा एंड इजीली गेटिंग कन्वर्टेड, मतलब थोड़ा सा भी अगर एनर्जी दिया तो दैट सॉलिड फॉर्म इज डायरेक्टली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वेपर फॉर्म. ओके, तो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो पहला हुआ कलर. ओके, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी कलर. द सेकंड वन इज अबाउट द फिजिकल स्टेट. नेक्स्ट थिंग इज वी टॉक अबाउट के जहां तक फ्लोरीन और क्लोरीन का सवाल है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर सोल्युबल इन वाटर. जब ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर. लेकिन दे आर हाईली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अब आप पूछोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कौन से है, तो कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. दैट इज क्लोरोफॉर्म, फिर कार्बन डाइसल्फाइड, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर हाइड्रोकार्बन. ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है कि जहां पर कार्बन का प्रमाण ज्यादा होता है. सो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. दे आर गोइंग टू बी हाईली सोल्युबल इन दैट एंड देयर बाय द रिजल्टिंग कलर सॉल्यूशंस. क्योंकि हैलोजन का खुद का कलर होता है और ये जो है सारे वो कलरलेस है. ओके, सो इस तरीके से जो ये कलर वाले कंपाउंड्स इसमें जाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट विल गिव यू कलर सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट वन इज कि अगर बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आपको जानना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, देन द ऑर्डर इज लाइक दिस. इज क्लोरीन क्लोरीन, देन इट कम्स ब्रोमीन ब्रोमीन, देन इट कम्स फ्लोरीन फ्लोरीन एंड देन इट इज आयोडीन आयोडीन. नाउ व्हाई फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी इज लेस. Alright, why it's bond enthalpy ka matlab energy required to break the bond is less. Why? Because fluorine molecule mein jo lone pair hai, okay, they are very close to each other. Why? Because they are very close because the size is very less of fluorine. Aur usi ke wajah se the force of repulsion is high. और इसी के वजह से द बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली इज लो. और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है दोस्तों तो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा, उसके बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है. एंड देयरफॉर द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. ओके, ये उसका रीजन है. द लोन पे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज. बिकॉज ऑफ द लोन पे देयर इज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्योंकि दोस्तों दो तरीके का पेयर्स होता है, याद रखिएगा, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर. Bond pair is responsible for force of attraction. Okay, lone pair is going to be for a greater force of repulsions. All right. तो उसके वजह से फिर उसका bond strength में कमी आ जाएगी और bond strength अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों bond enthalpy is going to be what less. Okay. So this is what you need to remember as far as group 17 is concerned with respect to their physical properties. Okay. I hope you have understood up to this. अब दोस्तों 16 हो गया, 17 हो गया, वी ऑफ कोर्स नो यू नो वेरी वेल, वी गोइंग टू ग्रुप 18. ग्रुप 18 में आपको बताने का है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रुप 18 इज दैट इट इज ऑल द एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक. इनर्ट गैसेस है ना दोस्तों, एंड देयरफॉर दे आर मोनो एटॉमिक. दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी, आई मीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट डजंट हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द कंप्लीटेड ऑक्टेट. ओके, ये आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है they are going to be low. Okay, it's not too high because the van der Waals forces are weak. Okay, aur jahan tak helium ka sawal hai uska jo boiling point hai that is going to be 4.2 kelvin and it is the least amongst the known substances. Ye jo value hai na, this is the least value amongst the known substances and that is 4.2 kelvin. Yani aap samajh sakte ho ki kitna kam hai wo. 273 केल्विन दोस्तों इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये 4.2 केल्विन है. ओके, मतलब इट इज गोइंग टू बी अराउंड से माइनस ऑफ 268.8 डिग्री सेल्सियस. तो इतना कम है उसका, तो दैट्स व्हाई वी से इट इज द लीस्ट नोन. नॉर्मली दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज क्वाइट लेस. ओके, लेकिन जब हम पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा. ओके, यानी हीलियम इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर व्हेयर इज रेडॉन इज मोस्ट सॉल्युबल. क्योंकि पोलार कैरेक्टर,
ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसा वैसा पोलार कैरेक्टर बढ़ते जाता है, एंड वाटर इज पोलार, सो इसके वजह से क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जब हम हीलियम टू रेडॉन, ये जो सारे एलिमेंट्स है, टोटल 6 एलिमेंट्स, उनका अगर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें हम लोग, तो उसमें रेडॉन का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ओके, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 18, ये बात समझ लीजिए। आई एम नॉट कंपेयरिंग रेडॉन विद सम अदर एलिमेंट, ओके, ओनली आई एम कंपेयरिंग इट विद द अदर इनर्ट गैस एलिमेंट्स, समझा आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एज वेल एज 18। अब मुझे कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में आपको बताना है, तो उसके लिए मैं ग्रुप 16 पे जाऊंगा। अब ग्रुप 16 में क्या होता है कि there is a point which was being said, जब ऑक्सीजन से हम पोलोनियम तरफ के जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, ओके, इट इंक्रीजेस अ लॉट, ओके, बट देन द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज मच मच लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर, मतलब देयर इज अ वाइड डिफरेंस, ठीक है, कम होगा, ऑल राइट, ऑक्सीजन का कम ही होगा और बाकी का सब बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऑल राइट, लेकिन जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो डिफरेंस है, दैट्स अ लार्ज डिफरेंस, ओके, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्फर का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एक हम लोग बात कर सकते हैं उसका ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि ऑक्सीजन इज इन अ गैसीय स्टेट एंड द सल्फर इज इन अ सॉलिड स्टेट, तो ऑब्वियसली सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गैसीय स्टेट। दूसरा हम बात कर सकते हैं एटोमिसिटी, ओके, जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइनिंग विद ईच अदर, उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी इज 2, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज O2, वेयर इज इन केस ऑफ सल्फर वी कॉल इट एज S8, सो देयर आर 8 सल्फर एटम्स, ओके, यहां पे देयर आर ओनली 2 ऑक्सीजन एटम्स, एंड बिकॉज़ देयर आर 8 सल्फर एटम्स, सो वी से द वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट हाई in sulfur as compared to that of what? Oxygen. Okay, and therefore we say the melting point and boiling point of oxygen is much, much less than sulfur. Yeah, फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the melting point and boiling point of sulfur is much, much larger than oxygen. Okay, ये आपको एक striking feature याद रखना है as far as the physical properties is concerned. Alright, so this is all about when you talk about with respect to group 16, 17 as well as 18. एक point लेते और उसी point को फिर हम लोग 16, 17, 18 तीनों से हम लोग explain करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको comparison काफी easy हो जाएगा. Okay, comparative method becomes very easy when you carry out the things, the discussion in this particular fashion. I hope you are understanding up to this.